महाराजा रत्नाकर सागर जी, महाराजा रत्नाकर सागर जी, महारानी जी, महाराज जी, महारानी जी, महाराज जी, महारानी जी, महाराज जी, महारानी जी, महाराज जी, आप तुम्हारी वैष्णवी जी, आप तुम्हारी वैष्णवी जी। बधाई हो महारानी, बधाई हो। शुभ घड़ी आ ही गई, चारों ओर हर्ष ही हर्ष। हमारे चंद्र सागर की छोटी बहन आ गई। आभार, सब तुम्हारी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं का ही तो परिणाम है कदिका। आनंद ही आनंद भ्राताश्री, साक्षात देवी पधारी, हमारे पुत्र चंद्र सागर की छोटी बहन वैष्णवी पधारी है। कदिका, देखो तो वैष्णवी कितनी सुंदर है, कितने सुंदर नयन है इसके। प्रतीत होता है कि आप ही को देख रही है। प्राताश्री, सीमावर्ती राज्य के राजा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको बधाई देना चाहते हैं, कृपा करके उनके समक्ष चलिए। आइए प्राताश्री। इतने दिनों बाद आपकी ममता को खिलखिलाती देख बहुत प्रसन्नता हो रही है, किंतु किंतु क्या? किंतु कुछ नहीं, जाने दीजिए। क्या हुआ है कदिका, बताओ तो सही। भगवान भी ना, भ्राताश्री दिन रात नारायण नारायण जपते रहते हैं, किंतु नारायण ने इनकी सुनी नहीं। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतनी प्रतीक्षा के बाद भी दिया तो क्या दिया, पुत्री
पुत्र भी तो दे सकते थे ना। कितनी विचित्र कृपा है, सौभाग्य के स्थान पर क्या बोले अभिया। दुष्ट स्त्री हमारा अपमान करती है, संतानों में भेद करती है। स्वयं स्त्री होकर पुत्री की शत्रु बनी है। नारायण, हमें प्रतीत हो रहा है ये परिवेश वैष्णवी के लालन पालन के लिए उचित नहीं। शांत महाकाली, शांत। कमल का सौंदर्य, उसकी महानता, उसका अस्तित्व कीचड़ में खिलने से और अधिक बढ़ता है और अधिक प्रभावशाली होता है। किंतु त्रिदेवी, आप तीनों माओं की चिंता उचित है, किंतु आप भूल रही हैं कि वैष्णवी के साथ प्रतिपल उसकी मां है। और एक संतान के लिए उसकी मां से बड़ी कोई ढाल नहीं होती। एक मां अपनी संतान से कभी निराश नहीं होती, उसके हितों से कभी समझौता नहीं करती। कुछ भी विचित्र नहीं है कभी का, कोई अन्याय नहीं हुआ है। सौभाग्य और दुर्भाग्य तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। कुछ लोग केवल पुत्र को ही अपना सौभाग्य मानते हैं, जबकि यही दृष्टिकोण हमारे समाज का, मानव जात का दुर्भाग्य है। पुत्री तो देवी है, लक्ष्मी, सरस्वती और काली का रूप है, जननी, पालनहारी, सहारिणी, सब कुछ है। पुत्री का जन्म दुर्भाग्य नहीं, पुत्री तो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती है। और यही हमारी पुत्री वैष्णवी भी करेगी, है ना? संदेह, वैष्णवी भी ऐसा ही करेगी। आपका लालन पालन उसे संबल देगा। हमें तो स्मरण ही नहीं रहा, चंद्रसागर के भोजन का समय हो गया, हम कक्ष में जाते हैं। तुम पर कभी कोई आंच, किसी विकार की छाया तक नहीं पड़ने देगी तुम्हारी माँ, है ना हमारी बिटिया रानी?